तो गाइस यार, कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि जो फेविकोल होता है ना भाई, वो हमारे चेहरे पर या फिर पीठ पे गिर जाए तो हमारी पीठ का और चेहरे का क्या हाल होगा? तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम इसी चीज का पता लगाने वाले हैं, फेविकोल को डालने वाले हैं हमारी पीठ पर और फिर देखते हैं कि भाई हमारी पीठ का क्या हाल होता है। तो गाइस यार, चलो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस यार, सबसे पहले हम फेविकोल का जो डिब्बा है इसे खोल लेते हैं। मैं इस चीज को डालने वाला हूँ भाई की पीठ पर और फिर देखते हैं कि भाई क्या होता है। अभी से थोड़ा सा लेप की तरह कर देते हैं। तो भाई यार, चलो चाकू से थोड़ा सा फैला देते हैं। तो भाई यार, आप देख सकते हैं कि फेविकोल को लगाए हुए लगभग 15 मिनट से ज़्यादा हो चुकी है और जहाँ जहाँ पर ज़्यादा फेविकोल था ना भाई, वहाँ वहाँ पर नहीं सूखा है। और बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन है किस तरीके से हो गई है और ये पूरा सूख चुका है। तो भाई यार, मैं अब इसे उखाड़ने जा रहा हूँ, क्या पता ज़्यादा सूखने के बाद चमड़ी साथ में नहीं आ जाए। तो भाई यार, चलो फटाफट से इसे उखाड़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई कितना दर्द होता है। जो कुछ भी होगा हमें पता चल जाएगा। यार, जो बाल थे ना वो इसके साथ ही निकल रहा है, इससे दर्द हो रहा होगा। देखो चलो इस साइड से। तो गाइस यार, लगभग आधा घंटा हो चुका है और अब पीठ में इसकी वजह से जलन होने लग गई है, इसलिए हमें अब इसे हटाना पड़ेगा। चलो भाई हटा लेते हैं। इसके लिए मैं चाकू की मदद लूंगा। और गाइस यार, मेरा ये कहना है कि आप कुछ भी ऐसा घर पे ट्राई मत कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ से ये फेविकोल हट रहा है ना भाई, बाल भी उखड़ रहे हैं और चमड़ी आप देख सकते हैं लाल लाल हो रही है, थोड़े थोड़े से पुंसिया टाइप की भी निकलने लग गई है। बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है यार। गर्म पानी से निकलेगा। गर्म पानी से निकला पड़ेगा। तो भाई यार, आप देख सकते हैं कि जो फेविकोल होता है ना भाई, वो कभी भी आप अपनी पीठ के ऊपर मत डालेगा, मेरे कहने से मत डालेगा, नहीं तो आपका भी हाल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपको निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, जैसे कि मुझे हो रही है। वो भी ये नहीं निकल रहा है, मेरा तो यही मानना है कि भाई इस चीज़ को कभी भी ट्राई मत करना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पीठ का हाल कैसा हो चुका है।
यहाँ से आप देखिए लाल हो चुकी है, पूरी छिल चुकी है। यहाँ पे देखिए, देखिए पूरा लाल हो गया है, छिल गया है। और ये तो हमें काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गया भाई। बाकी आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप ऐसा कुछ भी घर पे ट्राई नहीं करेंगे, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। पानी में घुस गया फिर जल्दी गई हो। अबे यहाँ पे, यहाँ पे लक्स को जी 85 mm। ठीक है भाई। तो भाई यार आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करते हुए। तो भाई यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसे उतारने के लिए हमें अभी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, गर्म पानी से उतारने की कोशिश करते हैं।